हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मेघा और मैं आपका अपने ट्वींस बेबी मम्मा डॉट कॉम चैनल पे स्वागत करती हूँ। और आज का जो मेरा वीडियो है वो रिक्वेस्टेड वीडियो है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी अगर आपका भी बेबी बॉय है तो आप उसका प्राइवेट पार्ट किस तरीके से ओपन कर सकते हैं और किस तरीके से उसको जो है क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं आपको कुछ जो है तरीके बताऊंगी जिससे आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब बेबी बॉय होते हैं जो उनका प्राइवेट पार्ट होता है उसके ऊपर जो है एक स्किन चढ़ी रहती है और जिसके अंदर जो है उनका प्राइवेट पार्ट रहता है, और इसीलिए प्राइवेट पार्ट साफ रखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि उसके ऊपर जो स्किन होती है अगर हम उसको नीचे नहीं करते हैं या नहीं खोलते हैं या उसकी साफ सफाई नहीं करते हैं तो इससे क्या होगा कि बेबी को इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। होता क्या है कि कुछ बच्चों का आने वाले टाइम पे बिल्कुल भी प्राइवेट पार्ट्स नहीं खुलता है, कुछ बच्चों का खुलने लगता है और तो फिर उनको सूसू वगैरह करने में भी बहुत दिक्कत होती है। और फिर जब वो अगर हम बेबी बॉय का स्टार्टिंग से प्राइवेट पार्ट नहीं खोलते हैं तो फिर बाद में हमें खोलना ही पड़ता है, तो जब वो बड़े हो जाते हैं तब हम खोलना स्टार्ट करते हैं तो इससे क्या होता है कि बेबी बहुत उसे दर्द रहता है, बहुत वो चिल्लाता है, रोता है। और अगर हम स्टार्टिंग से ऐसा करते हैं तो ये नौबत नहीं आती है। तो इसीलिए चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ। और देखिए, जो हमारे बेबी बॉय होते हैं उनका जब भी आपको प्राइवेट पार्ट जैसे आप बिल्कुल नहीं जानती हैं खोलना, तो आपको क्या करना है कि आपके जो बेबी बॉय का प्राइवेट पार्ट होता है सबसे पहले आप उसको इस तरीके से पकड़िए और उसके ऊपर जो खाल चढ़ी रहती है, स्टार्टिंग में जो खाल होती है वो प्राइवेट पार्ट से थोड़ी सी ऊपर रहती है, ठीक है, और नीचे तक तो वो बिल्कुल ठीक रहती है और ऊपर आने के बाद में हल्की सी पतली होती है, उसी को जो है हमें खोलना होता है। तो आपको क्या करना है कि स्टार्टिंग में आप बेबी का प्राइवेट पार्ट पकड़ लीजिए, पकड़ने के बाद में जो खाल होती है आप उसको बिल्कुल ऐसे धीरे धीरे से नीचे करेंगी, ठीक है, इस तरीके से मैं चला रही हूँ हाथ, बिल्कुल ऐसे धीरे धीरे से करना है। आपको ये नहीं करना है कि स्टार्टिंग में आपने ऐसे एकदम से नहीं खोलना है, अगर आप एकदम से ऐसे कुछ करती हैं तो इससे क्या होगा बेबी बॉय के प्राइवेट पार्ट्स में कट्स लग जाएगा और जिससे बेबी बॉय का जो है ब्लड आने लगेगा। तो स्टार्टिंग में हो सकता है जब आप प्राइवेट पार्ट खोले तो स्टार्टिंग में बिल्कुल जरा सा खुले या फिर ना भी खुले तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल थोड़ा सा खोलना है जितना भी खुल रहा है, ठीक है। फिर आपको उसमें एक से दो बूंद तेल डालना है, फिर यही प्रोसेस आपको दूसरे दिन करना है, तीसरे दिन करना है, धीरे धीरे जब आप डेली इस तरीके से करेंगे तो इससे क्या होगा बेबी का प्राइवेट पार्ट धीरे धीरे खुलने लगेगा, ठीक है। और जब वो 8-9 महीने के हो जाते हैं तो बेबी का प्राइवेट पार्ट सब जो उसके ऊपर स्किन चढ़ी रहती है वो यहां तक हो जाती है, उसके बाद में जो है बेबी का जो ऊपर का थोड़ा सा प्राइवेट पार्ट होता है वो बिल्कुल साफ दिखने लगता है, ठीक है। और ये सब पूरा प्रोसेस होता है 8-9 महीने के बाद में, ठीक है। तो फिर क्या होता है जो स्किन ऊपर को पतली रहती थी वो धीरे धीरे नीचे को आके बेबी के जो मतलब प्राइवेट पार्ट होता है उसी के आकार में हो जाती है, ठीक है, वो स्किन भी बिल्कुल राउंड में हो जाती है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से करना है, पेशेंस रखना है, ठीक है। और आपको उसका डेली इसलिए खोलना है क्योंकि जब आप उसको डेली खोलेंगे तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे हैबिट पड़ जाएगी और धीरे धीरे खुलने लगेगा, ठीक है। और आपको क्या करना है कि जब आप बेबी को नहलाने जाएं तो उस समय भी आपको बेबी के प्राइवेट पार्ट्स को थोड़ा सा खोलना है जितना भी खुलता है, उसके बाद में आप जो है एक मग्गा लीजिए, मग्गे से जो है आपको धार डालनी है, ठीक है, प्राइवेट पार्ट्स पे। और ये ध्यान रखना है कि जो आप धार डालें वो बहुत ज्यादा स्पीड में नहीं डालनी, बहुत ज्यादा मोटी नहीं डालनी, आपको ये ध्यान रखना है कि एकदम से पानी नहीं डालना है। अगर आप एकदम से मोटी धार बना के बेबी के प्राइवेट पार्ट पे डालेंगी तो इससे क्या होगा बेबी का प्राइवेट पार्ट बहुत ज्यादा नाजुक होता है और वो जो है एकदम से बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल नॉर्मल जो है पानी की स्पीड रखनी है, नॉर्मल बिल्कुल धार रखनी है और आपको जो है डेली ऐसा करना है, ठीक है। जब भी आप बाबू को नहलाएं, अगर आप नहीं नहलाती हैं तब भी आपको बेबी बॉय के प्राइवेट पार्ट को साफ जरूर करना है, या आपको गंदगी लगे बेबी बॉय के प्राइवेट पार्ट को आपको तुरंत धुलना है, ठीक है। और जब आप मालिश करें तो आप बेबी बॉय के प्राइवेट पार्ट्स में खोल के उसमें दो बूंद तेल जरूर डालें। और एक बात ध्यान रखनी है, आपको बेबी बॉय के प्राइवेट पार्ट्स में सरसों के तेल के अलावा अदर आपको कोई भी तेल नहीं डालना है, ठीक है। इसके अलावा आप कोई भी तेल डालने की गलती ना करें, आपको सरसों का तेल ही यूज करना है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। और जब आप ऐसा रेगुलर करेंगी स्टार्टिंग में तो फिर आप जब देखेंगी जब आपका बेबी धीरे धीरे बड़ा होगा 2-3-4 महीने का, तो आपका धीरे धीरे बेबी का प्राइवेट पार्ट जो है आराम से ओपन होने लगेगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो क्या होगा कि बेबी बॉय का प्राइवेट पार्ट अगर आप बिल्कुल खोलने की कोशिश नहीं कर रही है स्टार्टिंग से, कभी कभी तो कुछ बच्चों का ऑपरेशन भी होता है क्योंकि ना खुलने की वजह से फिर आगे बिल्कुल खुलता ही नहीं है, जिसकी वजह से कभी कभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपको बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करनी है, अगर आप शुरुआत से करती रहेंगी तो आने वाले टाइम पे बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा, यूरिन इन्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उस जो है आराम से जब आप रेगुलर उसको साफ करेंगी तो जब गंदगी नहीं रहेगी तो फिर इन्फेक्शन भी नहीं होंगे और बेबी जो है आराम से यूरिन वगैरह भी पास कर लेगा, ठीक है।
और मेरे भी ट्विंस बेबी बॉय हैं, तो मैंने जो भी आपको बताया अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही बताया। मेरे बेबी का भी स्टार्टिंग में प्राइवेट पार्ट्स नहीं खुलता था और फिर धीरे धीरे मैंने भी ऐसे ही ट्राई किया था तो अब आराम से खुलने लगा है, ठीक है। और इस समय मेरे बेबी जो है 15 महीने के हो गए हैं। अगर आपके लिए मेरा ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे आए। और हाँ, अगर अब भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।